हेलो, पिछले क्लास के वीडियो में हम आप लोगों के बीच में हम बताए थे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। और आज का जो टॉपिक है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो आज हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो ध्यान पूर्वक आज इस टॉपिक को भी सीखेंगे, इसके बाद आपका रिमेंबर पॉइंट आएगा और फिर इसके बाद आपका न्यूमेरिकल का क्लास भी स्टार्ट होगा। तो आज चलते हैं टॉपिक की ओर और टॉपिक का नाम दीजिए प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन लिखिए, क्योंकि पिछले क्लास में भी समूहन लिखे थे। प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन। तो आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन। तो ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में भी आपको श्रेणी क्रम का दो डिफिनेशन हम लिखाए थे, आज भी हम इसका उसी तरह से डिटेल में अध्ययन करेंगे और आप लोग ध्यान पूर्वक इसको स्टेप बाय स्टेप देखने और समझने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला लिखिए इसका डेफिनेशन, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों से, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित नहीं होती है, एक समान धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसे प्रतिरोधों का समूहन कहलाता है। तो पिछले क्लास के डेफिनेशन में हमने आपको बतलाया था श्रेणी क्रम समूहन का डेफिनेशन था, उसमें बतलाए थे कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है तो उसे श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। लेकिन अगर दो या दो से अधिक प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उसे समांतर क्रम समूहन कहा जाता है। तो दोनों डिफिनेशन एक ही आधार पर, इसमें श्रेणी क्रम में एक समान धारा प्रवाहित होती है और समांतर क्रम समूहन में एक समान धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये दोनों डिफिनेशन को ध्यान पूर्वक अच्छे ढंग से इसको तैयारी कीजिए। इसके बाद इसका दूसरा डिफिनेशन जो है आपको, जो है प्रतिरोध के छोर के अनुसार से जो बताते थे, ठीक उसी डिफिनेशन को फिर इसमें से हम बता रहे हैं।
जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक अन्य बिंदु पर जुड़ा हो, प्रतिरोधों के ऐसे समूहन को समांतर क्रम समूहन कहा जाता है। प्रतिरोधों के ऐसे समूहन को समांतर क्रम समूहन कहा जाता है। चलिए, ये दोनों डिफिनेशन को एग्जाम में आने पर किसी एक डिफिनेशन को लिखना है, या तो आप ऊपर वाला डिफिनेशन लिखिए या तो आप नीचे वाला डिफिनेशन को लिखिए। तो चलिए पहले इस डिफिनेशन को अच्छे तरह से इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम इसको फिगर के माध्यम से आपके बीच में लाते हैं। चलिए अब जो है आपके सामने हम तीन प्रतिरोध को ले रहे हैं। ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये आपका दूसरा प्रतिरोध हो गया और ये वाला आपका तीसरा प्रतिरोध हो गया। तीनों प्रतिरोध में दो सिरा है। जैसे मान लेते हैं कि प्रथम रेसिस्टेंस फर्स्ट रेसिस्टेंस में पहला सिरा को वन से सूचित करें, दूसरा सिरा को टू से। तो दूसरे प्रतिरोध का भी ना दो सिरा हुआ, पहला और दूसरा, और तीसरे प्रतिरोध का भी दो सिरा हुआ। तो समांतर क्रम के डिफिनेशन के अनुसार से ये आ रहा है, जो सेकेंड डिफिनेशन लिखा है उसके अनुसार से यहाँ ये आ रहा है कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर। तो सबसे पहला चीज ये कीजिए कि सबसे पहले ये सभी प्रतिरोध को एकत्रित कीजिए, R1, R2 और ये वाला हो गया आपका R3। खास बात यहाँ ये है कि पहला सिरा जो फर्स्ट सिरा है ये सभी का एक बिंदु पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा, जैसे ये वन वाला सिरा हो गया, ये वाला भी वन, ये वाला भी वन, और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक अन्य बिंदु पर जुड़ा रहे, इस प्रकार प्रतिरोधों का समूहन समांतर क्रम समूहन कहलाता है। अब देखिए इसका हम लोग यहीं पर जान लेते हैं दूसरा डिफिनेशन। एक तो सबसे पहले हम बैटरी से यहाँ पे जोड़ दिए और बैटरी से जोड़ने के बाद एक प्लग कुंजी भी लगा दिए,
स्विच यहाँ पर आपका लग गया। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे करेंट का फ्लो होगा, आई करेंट यहाँ आया और यहाँ आकर के इस पॉइंट पर अर्थात बिंदु का नाम दे देते हैं ए, और इधर वाला पॉइंट जहाँ पर सभी सिरा एक बिंदु पर मिलता है उसका नाम डाल देते हैं बी। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये आई करेंट ए बिंदु पर आकर के तीन भागों में बढ़ जाती है, आई वन, आई टू और आपका आई थ्री, और यही तीनों धारा फिर एक बिंदु पर आ करके मिल करके फिर क्या बन जाएगा, इधर से आएगा आई वन, इधर से जाएगा आई टू और ये वाला हो गया आई थ्री, सब फिर मिल जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, आपका आई करेंट बन जाएगा। तो जब सभी प्रतिरोध में यहाँ क्या हो रहा है, सभी प्रतिरोध में अलग अलग धारा प्रवाहित हो रहा है, ध्यान से, सभी प्रतिरोधों में अलग अलग जब धारा प्रवाहित होगा तो इसी को हम समांतर क्रम समूहन कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा सभी प्रतिरोधों में अलग अलग करंट प्रवाहित होता है। अब हम लोग आगे जैसे देखते हैं, इसी में हम लोग सारा फिगर जब कंप्लीट कर लिए तो हम अलग अलग प्रतिरोध में यहाँ पर अगर हम ले करके चले, माना कि R1 को मान दे दीजिए R2 तथा R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है या सामूहित है, समांतर क्रम में सामूहिक है, इन प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध R है। अब ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में भी आपको हम समझाए थे समतुल्य प्रतिरोध के बारे में, समतुल्य मतलब ये तीनों प्रतिरोध के बदले में एक ऐसा प्रतिरोध लाना है जो ये तीनों मिलके जितना काम करता है अकेला प्रतिरोध उतना काम करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समतुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध ये तीनों का क्या हो गया, आपका आर हो गया। तो ये था आपका समतुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ पर एक एक करके हम पहले ओम का नियम लागू करेंगे। तो आर पर ओम के नियम से फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ फॉर आर वन रेसिस्टेंस, आर वन प्रतिरोध के लिए, आर वन प्रतिरोध के लिए, यहां तक तो आपको दिख रहा है आर वन प्रतिरोध के लिए, ठीक है। धारा बराबर होता है विभवांतर बटे प्रतिरोध, ये आपका ओम के नियम से होता है। अब ये चीज देखिए, ये तीनों प्रतिरोध जो है ए और बी के बीच में ही लगा हुआ है, गौर कीजिएगा, यहाँ पे तीनों प्रतिरोध ए और बी यही दो बिंदु के बीच में लगा हुआ है, इसीलिए इस तीनों प्रतिरोध का जो विभवांतर होगा एक समान होगा, अर्थात R1 का भी विभवांतर भी, क्योंकि विभव क्या होता है, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं, तो इस बिंदु पर भी लाए तो R1 के लिए भी लाए, R2 के लिए भी लाए और R3 के लिए भी लाए, और इस बिंदु पर भी अगर लाते हैं तो सबके लिए लाए, R1 के लिए भी लाए, R2 के लिए भी लाए और R3 के लिए भी लाए, इसीलिए यहाँ पर विभवांतर जो है आपका एक समान हो जाता है, इसलिए R1 प्रतिरोध का विभवांतर, R2 प्रतिरोध का विभवांतर और R3 प्रतिरोध का विभवांतर, तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर जो है एक समान है। तो
तो यहाँ पर धारा तो बट गया है आई वन बराबर ये भी वन नहीं होगा क्योंकि सबों का विभव एक समान है, इसीलिए आई वन बराबर भी बटे आर वन। यहाँ पे गौर कीजिएगा, धारा हमारा बटा है, आर वन प्रतिरोध में आई वन धारा प्रवाहित होता है, आर टू प्रतिरोध में आई टू धारा प्रवाहित होता है और आई थ्री प्रतिरोध में आई थ्री धारा प्रवाहित होता है। लेकिन सभी प्रतिरोधों पर विभव एक समान है, सबका विभवांतर एक समान है और वह विभवांतर का मान भी हो जाता है। तो आर वन बराबर क्या हो गया आपका, भी बटे आर वन। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर जो है इसी तरह से हम लागू करेंगे आर टू प्रतिरोध में। यहां तक आप नोट कर लें, एक फोर आर टू रेसिस्टेंस आर टू प्रतिरोध के लिए I2 बराबर V बाय R2। इक्वेशन सेकेंड फोर, अब आगे लिखिएगा फोर, यहां पर भी उसी प्रोसेस से आया जिस तरह से यहां I1 बराबर V बटे R1 हुआ, ठीक उसी तरह से I2 बराबर क्या हो गया, V बटे R2। विभव एक समान सब में हो रहा है, चाहे R1 हो R2 हो या R3 हो। फोर R3 रेसिस्टेंस आर थ्री प्रतिरोध के लिए तो आई थ्री बराबर हो जाएगा भी बाय आर थ्री और ये हो गया आपका इक्वेशन थ्री। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में आई वन, इक्वेशन सेकेंड में आई टू और इक्वेशन थर्ड में आई थ्री। तो इस प्रकार कुल धारा यहां पर देखिए, पहले हम लोग निकालते थे नेट पोटेंशियल, पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे आपको, कुल विभवांतर, क्योंकि सबका विभवांतर अलग अलग था। आज यहां पर कुल धारा निकालेंगे इसमें, तो कुल धारा नेट करेंट आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। तो इस तरह से I बराबर हो जाएगा V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। ये तीनों समीकरण से नेट करेंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी तीनों समीकरण से हम नेट करेंट को निकालिए, I बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। और अब जो है यहाँ पर सब में V कॉमन आ गया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये आपका I का मान आ गया, इसको आप इक्वेशन चार मानेंगे। तो इस तरह से हम लोग नेट करेंट का वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए बात क्या है, अब हम लोगों को समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकालना है। तो समतुल्य प्रतिरोध कहाँ लगाएंगे, यही ए और बी के बीच में लगाना है। तो समझिए कि इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ तक ये वाला हट गया और इसी के बीच में एक प्रतिरोध को आपको लगा देना है। आप चाहे तो ये फिगर को भी बना सकते हैं एक जैसा फिगर, ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध को लगा दिए और इसका भी विभवांतर कितना होगा, क्योंकि इस पर जो वी वोल्ट का बैटरी, इस पर भी विभवांतर भी हो गया। तो अब जो है यदि समतुल्य प्रतिरोध अगर R है तो ओम के नियम से यहाँ पर भी लागू कर देंगे। तो अब जो है आगे हम लोग इस फिगर के आधार पर लिखेंगे, यदि समतुल्य प्रतिरोध R हो तो
नियम से, फ्रॉम ओम्स लॉ, धारा बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर बटे प्रतिरोध, और ये इक्वेशन आपका फाइव हो जाएगा क्योंकि विभव तो चेंज नहीं हुआ और करेंट तो इसमें अब आई एम्पियर ही फ्लो होगा क्योंकि जितना यहाँ से करेंट मिलेगा आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है क्योंकि अकेला प्रतिरोध हो गया तो अकेला वाला में आई एम्पियर की धारा, तो आई बराबर भी बटे आर, ये समीकरण आपका पांच हो गया। तो अब समीकरण फाइव फोर और फाइव से हम लोग लेके काम करेंगे। समीकरण चार और पांच से एक साइड में देख रहे हैं आई भी बराबर हो रहा है, यहाँ पे आई आई एक साइड का मैच कर रहा है तो भी बाय आर इक्वल टू हो जाएगा भी इंटू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू और प्लस वन बाय आर थ्री, ये भी कैंसिल। इस तरह से वन बाय आर के लिए फॉर्मूला बन जाएगा वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री। इस तरह से देखिए श्रेणी क्रम में सीधा जुटा था आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, लेकिन समांतर क्रम में सभी प्रतिरोध जो हो गया वन, इसका समतुल्य निकालने के लिए वन बाय आर इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका था समांतर क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध के लिए आपका ये व्यंजक हो गया।